यरोमन अन्योन्याश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एक केपॉप आर्टिस्ट हैं तो आप शाइनी ग्रुप मेंबर जोंगयून को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने आज ही के दिन 5 इयर्स पहले सुसाइड कर ली थी। इसलिए आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनके फैंस ने उन्हें याद किया और काफी इमोशनल भी दिखे। इसलिए आज मैं आपको शाइनी ग्रुप मेंबर जोंगयून के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जोंगयून ने एक सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी सिर्फ 27 इयर्स की एज में इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे केपॉप की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, शाइनी ग्रुप के लीड सिंगर जोंगयून का रियल नेम किम जोंग ह्यून था। जो हमारे ओल्ड फैंस होंगे वो जानते ही होंगे कि किम जोंगयून की डेथ से पहले तक शाइनी ग्रुप दुनिया के मोस्ट पॉपुलर केपॉप ग्रुप्स में से एक था। लेकिन जोंगयून के जाने के बाद इस ग्रुप ने अलग होने का फैसला किया। जोंगयून साउथ कोरिया के सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, रेडियो होस्ट के साथ साथ शाइनी ग्रुप के लीड डांसर और मीट वोकलिस्ट थे। जोंगयून ने अपने करियर की शुरुआत 15 इयर्स की एज में SM एंटरटेनमेंट में शाइनी ग्रुप मेंबर के तौर पर की और अपना सक्सेसफुल करियर भी बनाया। इसके अलावा जोंगयून कई वैरायटी शोज में भी नजर आए। लेकिन 19 दिसंबर 2017 के दिन अचानक एक न्यूज वायरल होना स्टार्ट हुई कि SM एंटरटेनमेंट के ग्रुप शाइनी मेंबर किम जोंगयून ने अपने घर पर सुसाइड कर ली है। और इस न्यूज के बाद से हर तरफ एक मायूसी छा गई, जहां कोरियन मीडिया ने बताया कि जोंगयून ने ऐसा करने से पहले अपनी सिस्टर को नाइट में एक मैसेज किया जिसमें लिखा था लास्ट गुड बाय। जब जोंगयून की सिस्टर ने इस मैसेज को देखा तो उन्होंने जोंगयून को कॉल किया, लेकिन जोंगयून ने उनका फोन अटेंड नहीं किया, जिसके बाद जोंगयून की सिस्टर उनके घर गयी और देखा तो जोंगयून फेंट जमीन पर पड़े हुए थे, जिसके बाद एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। हालांकि जोंगयून ने ऐसा करने से पहले एक लेटर भी लिखा था जिसे उनकी फैमिली ने पब्लिकली शेयर करने से मना कर दिया। लेकिन लेटर के बेस पर पुलिस ने बताया कि जोंगयून काफी टाइम से डिप्रेशन में थे और अपने वर्क प्रेशर से काफी परेशान थे। वहीं बाकी मेंबर्स ने कहा कि जोंगयून उनके इतने क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया जिसे देखकर ऐसा कहा जा सके कि वो ऐसा कदम भी उठा सकते थे। वहीं जोंगयून के क्लोज फ्रेंड आयु और BTS मेंबर्स उन्हें आज भी याद करते हैं। साथ ही आयु एवरी ईयर जोंगयून को याद करते हुए उनके लिए एक छोटा सा कॉन्सर्ट अरेंज करती हैं, जिसमें उनके फेवरेट सॉन्ग सिंग करती हैं और उस कॉन्सर्ट से आई मनी को पुअर फैमिलीज में शेयर करती हैं। और हमेशा की ही तरह आज भी उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, लेकिन जोंगयून की इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग थी और जोंगयून अपने इंडियन फैंस से मिलने एक बार इंडिया आने और कॉन्सर्ट करने की कई बार कह चुके थे, लेकिन उनका यह ड्रीम अधूरा ही रह गया। वेल, आज इस मौके पर हम अपनी के ड्रामा दोस्त फैमिली की तरफ से इतना ही कह सकते हैं कि ओप्पा, वी रियली मिस यू ऑलवेज एंड फॉरएवर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।